स्वागत है आप सभी का एक और प्यारे से ब्लॉग वीडियो में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का प्यारा सा ब्लॉग। आप सभी को बता दूं इस समय सुबह के बज रहे हैं 8:30 और हमारी मौजूदगी है इस समय जौनपुर ज़िले में। और जौनपुर ज़िले में एक बहुत प्रसिद्ध नदी है जो हमारे इस जौनपुर शहर को पूरी तरीके से विभाजित करती है, जिसका नाम है गोमती नदी। हम उसी तट पर मौजूद हैं गोमती नदी। तो फाइनली दोस्तों आपको पता ही होगा कि मैं इस समय जौनपुर ज़िले के गोमती नदी के तट पर भ्रमण कर रहा हूँ। मैं तो अभी डर गया था पीछे महिला देखकर। तो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। नदियों का आसपास का पर्यावरण सुनहरा हरियाली इतना खूबसूरत होता है कि मानो चिड़ियों का सहसाहट एक संगीत सुना रही है जो सीधे दिल को टच कर रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं बैक साइड में ये भीटा जैसा और काफ़ी हरा भरा ये वृक्ष भी था और काफ़ी मन एकदम खुश है। जान लीजिए अकेला एकदम आया हुआ हूँ और घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, आप लोगों को भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं आगे दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये बाट वृक्ष है जिसको हम बरगद भी कह सकते हैं काफ़ी। और अब ब्लॉग को आगे शुरू करते हैं, जौनपुर सिटी और शाही पुल को दिखाते हुए आपको आगे बढ़ रहे हैं। चलिए यहाँ से जाएंगे हम सीधा ओलंदगंज होते हुए जेसी चौराहा होते हुए रोडवेज से बस पकड़ेंगे फ्रेंड। वहाँ से हम काशी विश्वनाथ जाएंगे, वहाँ बनारस में जाएंगे। आप सभी को लोकेशन दिखाएंगे ज़रूर, बनारस में जाके वहाँ पर कुछ फूल मंडी का लोकेशन दिखाएंगे। फिलहाल के लिए आप लोग देख सकते हैं ये शाही पुल, ये काफ़ी मंदिर जैसा बहुत खूबसूरत लगता है, अच्छा लगता है। हालांकि आज जाम नहीं था वहाँ पर, ये काफ़ी सुकून देने वाली बात थी क्योंकि हम लोग लगभग वही 9:30 बजे के बीच में जा रहे थे। तो देख सकते हैं ये टेम्पो वाले भाई भी अपने रोजी रोटी के लिए निकले हुए हैं और हम थोड़ा से सोच रहे हैं आगे जाम भी रहता है, इसीलिए सोच रहे हैं बाएं से कट के निकल जाए हम लोग। ओलनगंज से पहले जो एक गली पड़ती है वहीं से हम लोग सोच रहे हैं यहीं से लेफ़्ट साइड मारा जाए और आगे निकला जाए। तो चलिए फ्रेंड ये लेफ़्ट साइड मार रहे हैं हम लोग, आगे काफ़ी अच्छी दुकानें हैं। वहाँ के दुकानदार लोग भी हमको देख रहे थे और कुछ लोग भी देख रहे थे कि भाई ये मोबाइल लेके वीडियो क्यों बना रहा है। और वैसे फ्रेंड एक्चुअली में होता क्या है ना, बहुत लोग हम लोग को रोक भी देते हैं, भाई वीडियो क्यों बना रहे हो, झगड़ा होने वाली नौबत आ जाती है। लेकिन हम लोग बोल देते भाई हम लोग कोई वीडियो का मिसयूज नहीं करेंगे, हम लोग यूट्यूब पे डालते हैं, हम ब्लॉगर हैं। आप लोग का प्यार दुलार और सपोर्ट ही रहता है कि लोगों को ये सब बता के जागरूक कर देते हैं कि भाई हम लोग आपका वीडियो मिसयूज नहीं करते। हम लोग का काम ही यही है कि जानकारी देना और सबको दिखाना हमारे भारत में और हमारे देश में ऐसी ऐसी चीज़ें अभी भी छुपी हैं जो आप लोग शायद नहीं देखे होंगे। और हम लोग के माध्यम से, मीडिया भाई लोग के माध्यम से और ब्लॉगर के माध्यम से आप लोग देख रहे होंगे। देखिए अब इस समय हम लगभग पहुंच चुके हैं, ये ओलनगंज चौराहा डाक चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जेपी होटल है और तमाम दुकानें हैं जो कि इस समय शायद खुली नहीं हैं क्योंकि अभी उनका पूरा टाइम भी नहीं हुआ। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं ब्लॉग में। तो ये सीधा रास्ता जाता हुआ और ये सामने अब देखिए ये होटल जेपी आ गया और यहाँ से फिर हम लोग थोड़ा से लिफ्ट मारेंगे। लिफ्ट मारने के बाद वो जो आपको टर्नर दिखाई दे रहा है वहीं से फिर से हम लोग राइट मारेंगे। और हमारे बाएं साइड में कुछ पुलिस अधिकारी मौजूद थे, उनको नमस्ते जय हिंद किया और आगे बढ़ा और राइट साइड मारा और सीधा ये रास्ता जो है जेसी चौराहे पे जाके टच करेगा। दोस्तों अगर हमारे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, अच्छा लगे तो। मैं जौनपुर का ब्लॉगर हूँ, आप सभी को कुछ ना कुछ हमेशा दिखाता रहता हूँ और दिखाऊंगा भी ये चीज़। आप लोग को गाँव से लेकर शहर तक की तमाम ऐसी जानकारियाँ, तमाम ऐसी रूठी हुई छुपी हुई प्रतिभाओं को देखने को मिलेगा और
ऐसी ऐसी चीज़ों को दिखाएंगे कि शायद ही आप लोग देखे होंगे, जो आपको शहरों से ज़्यादा अच्छी लगेंगी गांव की हमारी चीज़ें। तो चलिए देहाती लाइफ स्टाइल और देहाती अंदाज में और ज़बरदस्त मिजाज में ऐसे में तो बातें आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए धीरे धीरे हम ये दोस्तों पहुँच चुके हैं इधर, हमारा लोकेशन तो आप लोग अगर आप जौनपुर से हैं तो इसमें बराबर देखते होंगे कि मैं कहाँ पहुँचा हूँ इस समय। बराबर एकदम झन्नाटेदार स्टाइल में दिखा रहा हूँ, लगभग लगभग हम लोग पहुँच रहे हैं इस समय जेसी चौक पे, जो जौनपुर ज़िला का सेंटर है, अमरावती जौनपुर जेसी चौक। आप लोग ये देख सकते हैं ये गुंबद जो लंबा सा गया है, ये हम पहुँच चुके हैं हम लोग अपने जौनपुर ज़िले के जो मेन हार्ट है उस पे, मतलब दिल पे पहुँच चुके हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छे सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ अक्षरों में जौनपुर अमरावती, ये सेंटर है हमारे जौनपुर का। और ये सेंटर आप लोग देख सकते हैं, इसको दिखाते हुए ये गुंबज काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी प्यारा लग रहा है, इसको दिखाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ये देखिए। तो फ्रेंड मैं पहुंच चुका हूं इसमें फाइनली वाराणसी जंक्शन पे घूमने के लिए, आप सभी को दिखा रहा हूँ ये नज़ारा। काशी विश्वनाथ धाम के अंतर्गत वाराणसी जंक्शन पर हूँ और हमारे बैक साइड में देख सकते हैं बोलबम कांवरिए लोग जो काफ़ी मात्रा में जय जयकारा लगाते हुए भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं काशी धाम में। तो चलिए थोड़ा से और आगे बढ़ाते हैं यहाँ की सुंदरता। स्टेशन में देख सकते हैं ये लाइटिंग व्यवस्था और डेकोरेशन कितना अच्छा लगता है। अब तो ये इधर भी देख लीजिए, थोड़ा ये सीढ़ी ऐसा है लिफ्ट वाली बन गया है, बम लोग जा रहे हैं उतर रहे हैं, बस दिखाने के लिए आप सभी को यहाँ पर मैं आया हूँ। और फ्रेंड एक्चुअली मेरा काम तो उधर फूल मंडी में है, मैं अभी फूल मंडी का भी नज़ारा आप सभी को दिखाऊँगा। देखिए कितना सुंदर बन चुका है वाराणसी का ये जंक्शन और ये बोलबम बाबा जी लोग। तो फ्रेंड मैं फाइनली पहुंच चुका हूं वाराणसी के फूल मंडी में, देख सकते हैं इतना ज़्यादा गर्मी है कि लोग बस पंखिया ही पंखिया डुला रहे हैं। तो चलिए थोड़ा से और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहां पर बस मैं भी अपना कमल का फूल ले गया था, मंडी में लगा दिया, बकायदे बेच रहा हूँ, लेकिन गर्मी और उमस इतना ज़्यादा पड़ रही है कि यहाँ पर मन ही नहीं लग रहा, बस भोलेनाथ का जाप करते हुए पंखी डुला रहे हैं सब लोग। क्या बात है, अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लोग हंसने वाले बहुत मिलते हैं, साथ देने वाले बहुत कम मिलते हैं फ्रेंड। और मेरे बैक साइड में देख सकते हैं भगवान बजरंगबली हैं, बजरंगबली का आशीर्वाद लेते हुए आप सभी को दिखा रहे हैं काशी की जमजम तमतम दमदम नगरी। तो भैया हमारे ऊपर विश्वास करके हमार ब्लॉग बहुत देर तक देखे वाले भैया लोग अब समझ गया कि हमार सब जोन काम धंधा हो रहा है हो गया। अब हम आ चुका है बनारस जंक्शन पे, फिर से एकदम सजावट देख के दिल गदगद हो गए। आप सबके दिखावे भी दे वीडियो बनाओ था यार, एक आदमी से झगड़ा हो गया यार, तो हम लोग साथ ना देवा तो जान ला जिंदगी बहुत आगे जाए खड़ी हो गई। तो देखा है बनारस जंक्शन इतना ज़बरदस्त नज़ारा और एकदम अच्छा खासा बन गया हो और हम एकदम जान ला वीडियो देख दबदबाए रहे। तो आगे एक जन पूछा था भैया तू स्टाफ प्यार रेलवे के, हमके नाही साहब हम स्टाफ ना आई लेकिन हम ब्लॉगिंग करी ला यूट्यूब पर, कहें चला ठीक भाई कौनो दिक्कत ना भाई, जान ला कि करे जब फट गया रहा हूँ ऐसे में तुरंत ही जान ला कि वो सहारा देवे वाला मन ही ना आ रहा, लेकिन फिलहाल हम आगे बढ़े ब्लॉग। कहा बताई भाई गर्मी इतना तेज़ रहा है कि जान ला कि इतना गर्मी होता रहा है, तुरंत ही 15 रुपया किट्ठे हमू पंखा खरीद ली, 15 रुपया पंखी ले कि अपने स्टेशन और बनारस जंक्शन खेतासराय गाड़ी रखे भी दे, धीरे धीरे हौकत हौकत पहुँच गए। तो रास्ता में इकट्ठे और दादा मिल गए, हम यार धीरे धीरे जा थे कहा यार तो वीडियो कहा बतावा थे, हमके दादा घबराया जिन तो वीडियो से कौनों मिस यूज ना करम, तो जमन कैसे भाई उनसे थोड़ा मजे देर तक बत कही कही आओ जी, ओके बात कहें जा अच्छा जमन है डिलीट कह दिया, हमके
बेटा जो डिलीट का तो आज हम वीडियो हम गलती यूज कर अब देखा बाबा लोग के दर्शन करे भी है थोड़ी की सौर हम वीडियो बनाए ले है। तब धीरे धीरे देखा वाराणसी बरेली इंटरसिटी एक्सप्रेस के पास भैया गए हम कहे यार चलिए वो जो उन्हें ट्रेन पर बैठी और अपने यार बाजारे में चली घरे दुआरे हम तनी आराम करी और देखा ये लिखा हुआ बनारस टू बरेली ये जो है इंटरसिटी एक्सप्रेस है भैया लगभग 11:10 पे मिले ले बनारस से और जाए खेतासराय भी रुकल है। तो यार बाबा लोग भी कुछ उत्पाती बाबा रहा थे जैसे बोल बम करत करत कुछ और हल्ला मचा शुरू कर देते फिलहाल हम सब बाबा को टारगेट ना करते हम माफ़ी चाहते भैया अगर कहूँ बुरा लाग और ये कुल देखत हुए हम थोड़ा से और आगे बढ़े सब देखे जो है ट्रेन बा जो है जनरल डिब्बा थोड़ा मजे का आगे बा आगे जाते जनरल डिब्बा में बैठे भैया शांतिपूर्वक अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करा अगर ना अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कह दे राजू जो मतलब ना पसंद हो वाली बटनिया टीप दे हम कैसे लगे कि हमारे दुश्मन हैं मजे के और जो दुश्मन हैं भाई उनके जराव भी दे हम मजे वीडियो बनावल करब चला ठीक बा बाय बाय टाटा।